राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान संपन्न हो चुका है। यहां दो चरणों में सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। अब यहां रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में अब राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने काम शुरू कर दिया है। राजस्थान के बाद अब वह पश्चिम बंगाल की कमान संभालने में जुट गए हैं। भजनलाल शर्मा का पश्चिम बंगाल में भी क्रेज दिखा। उनके रोड शो में कार्यकर्ता उत्साहित दिखे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचकर दौरे के पहले दिन श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया, साथ ही मारवाड़ी प्रवासियों से मुलाकात कर संवाद भी किया। भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पहले पश्चिम बंगाल देश को दिशा प्रदान करता था। यह भूमि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि रही है, लेकिन आज बंगाल की जनता भ्रष्टाचार, अत्याचार, गुंडागर्दी, घुसपैठ, तस्करी तथा तुष्टीकरण की राजनीति से त्रस्त है। ममता दीदी ने राज्य की जनता के साथ धोखा किया है, राज्य के विकास की गति को कम कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ भी ममता बनर्जी लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही है। बंगाल के अंदर लोकसभा में भी इतिहास रचने वाला है और आने वाले विधानसभा में भी इतिहास रचा जाएगा। मैंने आज देखा जिस तरह से उत्साह और उमंग था, जिन दिन विधानसभाओं में से हम नामांकन के लिए बाहर रैली में निकले थे तो जहां मैं देख रहा था ऊपर नीचे जिस तरह से सभी के अंदर उत्साह था, मैं कह सकता हूं कि अब की बार पश्चिम बंगाल के अंदर 35 सीट से ऊपर या पश्चिम बंगाल के अंदर आने वाली है। और राजस्थान की मैं बात करूं तो 2014 में भी 25 में से 25 थी, 19 में भी 25 में 25 थी और अब की बार भी 25 में से 25 आने वाली है। अब की बार पश्चिम बंगाल के अंदर लोकसभा में भी इतिहास रचने वाला